हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली पल्स। आज मैं चॉकलेट एंड नट्स टोस्ट कैसे बनाना ये सिखाती हूँ। ये बहुत आसान है, बच्चे बहुत पसंद करके खाएंगे क्योंकि इसमें चॉकलेट है और बादाम काजू भी है, तो आप बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए आपको जो चाहिए वो है स्वीट ब्रेड, कोई भी स्वीट ब्रेड लीजिए, एक कप दूध लीजिए और ये कोको पाउडर है, कोको पाउडर चाहिए इसके लिए, और थोड़ा सा वेनिला एसेंस, ये है काजू और बादाम। अगर आपके पास काजू और बादाम दोनों नहीं है तो कोई एक डाल सकते हैं, काजू या बादाम, लेकिन मैं तो अभी घर में ही इसीलिए दोनों डाल रही हूँ। मैं ऐसे जितने भी नट्स डालेंगे इतना मजेदार बनता है ये, तो इसीलिए काजू और बादाम लीजिए। और ये है आइसिंग शुगर, आइसिंग शुगर जो है ये दुकान में मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, घर में आसानी से बना सकते हैं आप, बनाना बहुत आसान है। ये बनाने के लिए आपको चाहिए डेढ़ कप चीनी, डेढ़ कप कॉर्नफ्लोर, ये दोनों मिक्सी में डाल दीजिए, पाउडर बना दीजिए, वही आइसिंग शुगर है। तो चलिए बनाते हैं। बनाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भूलिएगा मत प्लीज, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और अभी आप बनाते हैं, चलिए। देखिए, सबसे पहले दूध गर्म करना है, तो दूध गर्म होते ही इसमें अब हम डाल रहे हैं 4 चम्मच कोको पाउडर, तो इसके बाद डालेंगे आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर बड़े चम्मच से डाल रही हूँ मैं, ये कम है क्योंकि हम लोग मीठा कम खाते हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं, 5 से 6 चम्मच तक डाल सकते हैं। देखिए, अब इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। देखिए इस तरह पूरा चाशनी की तरह बनाना है। अब इसमें हम डालेंगे 10 बूंद वेनिला एसेंस। ये फ्लेवर अच्छा आएगा। और अब ये जो स्वीट ब्रेड है इसे लेंगे, और जो अब सिरप बना के रखा है हमने उसे ब्रेड के ऊपर से चारों तरफ डालेंगे, पूरा नीचे आने तक मत डालना, लेकिन ऐसे ही पूरा स्प्रेड करना दोनों ब्रेड में। अभी इसके ऊपर भी डाल रही हूँ मैं, ये आपको देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, आप बना के देखिए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे काजू और बादाम जो मैंने पहले से काट के रखा है, सिर्फ एक ब्रेड में डालेंगे और दूसरा लेके इसके ऊपर ऐसे लगा के इसको प्रेस कर देंगे ताकि टोस्ट होने के बाद भी ये अलग ना हो जाए, तो एक टोस्ट जैसा बन जाएगा ये। देखिए, अब तवा गर्म हो चुका है, इस पे थोड़ा सा घी डालेंगे और इसके ऊपर सारे ब्रेड रख देंगे, मतलब दो 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 मतलब 6 ब्रेड एक साथ बना सकते हैं आप। तो अभी इसे टोस्ट करेंगे, स्टोव सिम में रखिएगा और लाइट ब्राउन होने तक। अब देखिए दूसरी तरफ भी बनाएंगे, इस तरफ थोड़ा ये ज़्यादा जल गया है, तो आप देख लीजिए, ध्यान रखना इतना जलने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा घी डालेंगे। अब हम जो पहले से बना के रखा था चॉकलेट सिरप, उसमें से 2 चम्मच लेंगे और इसमें थोड़ा कोको पाउडर डालेंगे और आइसिंग शुगर भी। फिर से बोल रही हूँ, मैंने कम डाला है, आप कुछ ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं जो बना रही हूँ उसमें मीठा कम होता है। देखिए और थोड़ा डालेंगे, देखिए इस तरह ये पूरा पेस्ट जैसा बन जाएगा,
हमारे ये टोस्ट तैयार हो गए हैं। तो इसके ऊपर से अब हम डालेंगे वो जो पेस्ट अभी बनाया था मैंने, ये पेस्ट पूरा उसके ऊपर लगा देंगे। अगर आप बनाएंगे तो सब लोग खुशी से खाएंगे। आप बना के तो देखिए इतना टेस्टी होता है, बिल्कुल ब्राउनी जैसे होते हैं ये टोस्ट। और इसके ऊपर फिर से बादाम और काजू डालेंगे। बन गए हैं हमारे चॉकलेट एंड नट्स टोस्ट। लग रहा है ना मज़ेदार? तो झट से बनाइए, बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।